नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मिशन 2019 के तहत लोकसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक हैं। यह चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में होने हैं। ऐसे में सभी दलों के उम्मीदवार अपनी जीत की सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह और राहुल गांधी में किसका परफॉर्मेंस जबरदस्त है। अध्यक्ष बनने के बाद 3 साल के अंदर अमित शाह की अध्यक्षता वाली बीजेपी में 3 चुनावी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही बीजेपी ने 11 जीत भी हासिल की। वहीं अध्यक्ष बनने के बाद 5 साल के अंदर ही राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कुल 9 चुनाव जीते हैं और 27 हारे हैं। ऐसे में चुनावी परफॉर्मेंस के मामले में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच ज़्यादा दमदार अध्यक्ष बनने में सफल हुए हैं। परिवार की लीगेसी राहुल गांधी की बड़ी ताकत है, साथ ही नए विचार की कमी व उनकी कमजोरी है। दूसरी तरफ अमित शाह की ये ताकत है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद हैं और उनकी पार्टी पर मजबूत पकड़ है, लेकिन उनकी यह कमजोरी यह है कि वह सख्त मिजाज वाले हैं, जिससे लोग उन्हें कई बार नापसंद कर भी चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक संघर्ष में अमित शाह एक अध्यक्ष तौर पर राहुल गांधी से काफ़ी आगे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमित शाह एक अच्छे अध्यक्ष हैं या राहुल गांधी? दोनों के बीच में से कौन सा नेता बेस्ट लीडर है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।